पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे राजनगर वासियों का गुस्सा आखिरकार आज फूट गया। गनीमत यह रही कि गुस्साए लोगों को मौके पर कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिला। क्षेत्र के पूर्व पार्षद जय कुमार बिंदल ने एक्सियन से फोन पर बात कर वीरवार तक समस्या का समाधान होने की बात कॉलोनी वासियों को कही, तब जाकर वे शांत हुए और वापिस अपने घर लौटे। पूर्व पार्षद जय कुमार बिंदल ने बताया कि राजनगर में भोला चौक पर एक सरकारी ट्यूबवेल है जिससे कॉलोनी वासियों को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। यह ट्यूबवेल पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है। कॉलोनी वासियों ने जय कुमार बिंदल के माध्यम से इस ट्यूबवेल की कंप्लेंट कई बार दी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों में रोष फूट पड़ा और वे सभी इकट्ठा होकर किले के नीचे जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके पश्चात पूर्व पार्षद जय कुमार बिंदल ने फोन पर एक्सियन राजेश कौशिक को धरना प्रदर्शन की सूचना दी। इस पर एक्सियन राजेश कौशिक ने बताया कि वीरवार को शाम तक ट्यूबवेल को चालू करवाया जाएगा, तब जाकर कॉलोनी वासी वापिस अपने अपने घर गए। इस अवसर पर सोहनलाल, प्रताप सिंह, नरेश कश्यप, आजाद फौजी, सतपाल राणा, धर्मवीर बाला, रोशनी, राधा कमला व अन्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ये वार्ड नंबर 5 मेरा वार्ड है, राजनगर का, राजनगर है। उसके अंदर लगभग एक महीना हो गया है, जो मोटर होती है वो मोटर पाइप नीचे चली गई हैं। तो पिछले एक महीने से डेली हमारे को आश्वासन दे रहे हैं एसपीओ साहब, भाई आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब तक ना वो ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ठेकेदार से बात करते हैं, कहता भाई ये अपना जो तुम्हारा ट्यूबवेल है डेड हो चुका है, नया लगेगा। लेकिन प्रशासन कह रहा है हम इसको चालू करवाएंगे, और ना चालू करवा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, और पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। मेरी मीडिया के माध्यम से गुजारिश है कि हमारा ट्यूबवेल या तो ठीक करवाया जाए या आज कल में हमारा नया ट्यूबवेल लगवाया जाए। कितने टाइम पहले खराब हुआ था? कम से कम एक महीना हो गया भाई साहब। तो अभी अधिकारी क्या कहते हैं आपको? अधिकारी तो देख के भाज गए सारे, हमारे को यहाँ कोई है ही नहीं। और कोई कहता है मैं चंडीगढ़ चला गया, कोई करनाल मीटिंग है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आने को तैयारी नहीं कोई मौके पर। कितने लोगों को उसमें पानी मिलता था? कम से कम 3 करोड़ का पानी मिल रहा था राजनगर नागपुर, कम से कम 10,000 आदमी होगा कम से कम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार बिंदल, पार्षद वार्ड नंबर 5। और मीठी गोली दे दे हैं, और आमूरामा तो कोई बैठा नहीं पांदा, पब्लिक पागल का काम छोड़ छोड़ का आवे, हम उन पर के लेना वहाँ वोट दे, वहाँ सारे काम करा, और फिर हम दुखी के दुखी, ना हमारी सुनाई कर दे, और वो एक महीना आ गया ना संभाल दे ना दूसरा लान दे। और आज चक्कर काट दो, कितने टाइम होगा आपको यहाँ पर आते हुए? हम 20 बार आ लिए। तो कोई अधिकारी मिला आप लोगों को? कोई भी नहीं मिलता, सब कुर्सी छोड़ छोड़ कर मीटिंग में बाज जाए, हम किसकी मीटिंग में जावा? उनका 10 बजे के मतलब कुर्सी छोड़ने का, के मतलब कुर्सी छोड़ने का 10 बजे? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं राजनगर की रहने वाली हूँ। नाम क्या? बाला है। परेशान हो तो हम ठहरे आदमी नो बता, हम कहाँ जा पानी की मारी, हमारा कुछ समाधान होना चाहे। एक महीना पूरा हो गया, हम दूसरी कॉलोनी में पानी ढोते हैं। अच्छा इब नो बता, हमारे खावे लग रहे थी चा, इतना बहुत मारनी, हम तो एक गोली ले लें, और पानी कहाँ था? मैं हमारा भी तो कुछ समाधान होना चाहता, नो बताओ क्या बना का सबका जुगाड़ थोड़े है, समर सेविल का सबका जुगाड़ है। वहाँ के पार्षद उनसे मिले आप लोग? यू खड़ा राजनगर से आए हैं, जो ये पार्षद जी खड़े हैं, इनका एरिया है वो, और वहाँ पर 1-1.5 महीने से ट्यूबवेल खराब है। उसका कह रहे हैं मोटर गिर गई है, उसको ना ठीक कर रहे ना नया लगा रहे, पानी की बड़ी समस्या है। तो ये कितने टाइम से समस्या है? ये 1-1.5 महीने से समस्या है, और जब भी यहाँ आते हैं तो ये भाग जाते हैं, कर्मचारी भाग जाते हैं। अब भी ऑफिस सारा खाली पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी का नाम जानते हैं उनका?
बस अफसर या कोई बैठे नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणबीर सिंह। कौन से एरिया से जी? राजनगर से है। इसमें हमने कई एजेंसियों को बुला के इधर उधर बाहर से भी शाहबाद से भी बुलाया किसी को, लेकिन वो भी निकल नहीं पाए। नीचे फंस गया बोर के अंदर। अच्छा जी, तो वो निकल नहीं पाएगी तो खत्म है बोर, मतलब वो तो अब आगे दूसरा और लगाना पड़ेगा आस पास में कहीं। उसके टाइम का समय दिया गया उनको? आपने कोई बात की इनसे? आपने ये तो एक्शन साहब कह रहे हैं एक आध दिन का टाइम तो बात हुई है इनके एक्शन साहब से एक आध दिन में। कह रहे हैं कि अधिकारी मिलते नहीं यहाँ पर? मिलते क्यों नहीं साहब, मिले अभी तो बात हुई है एक्शन साहब की इनसे, अभी बात हुई है एमसी की, हो जाएगा जल्दी। एक्शन साहब ने एक दो दिन का टाइम मांगा है, हो जाएगा। आपका क्या नाम है? क्या आप यहाँ पे? मैं जय हूँ। क्या नाम है आपका? श्यामलाल।